चैप्टर का नाम बताओ जल्दी। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। अब मेरी बात अच्छे से समझो, ये चैप्टर आपको क्या बताएगा? फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है और उसके रजिस्ट्रेशन कहां कैसे होंगे। ठीक है, बुक में कुछ नहीं दे रखा, सब इधर पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाले वो क्या है? एनबीएफसी, फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एग्जांपल दो एचडीएफसी। अब जो नहीं बचा है ना, ठीक ठीक ठीक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सुना है क्या? और डिटेल में सुनेंगे अब। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, निधि, क्या लिखा है? पेमेंट बैंक्स। तो ये सारे टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेलिंग पढ़ेंगे, प्लस इसके रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनबीएफसी, शॉर्टकट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे मॉड्यूल, फिर आपको रीड ही करनी है, फिर मैं लेकर भी जाऊंगी मॉड्यूल में, लेकिन स्टिल पहले शॉर्ट नोट्स। एनबीएफसी का अक्सर जब भी मैं इंट्रोडक्शन देती हूं तो मैं क्या बोलती हूँ? ये बैंक की तरह है लेकिन ये बैंक नहीं है, नाम में ही काम छुपा है। क्या लिखा है? नॉन बैंकिंग, या फिर मैं इसे बोलिए फाइनेंस देने वाली कंपनी है, लोन देने वाली, एडवांस देने वाली कंपनी है, जो कि बैंक नहीं है। अ नॉन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड होती है कहां? एज पर कंपनीज एक्ट। और क्या लिखा है? एनी अदर अर्लियर एनेक्टमेंट, मतलब 1956 आपका कंपनीज एक्ट पुराना वाला। एंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेसेस, एनबीएफसी क्या क्या काम देती है, क्या क्या सर्विसेज देती है? पहला क्या लिखा है? लोन एडवांस। दूसरा इन्वेस्टमेंट बोल सकती हूँ, क्या कर रही है? बच्चा खरीद रही है, मतलब यहां पैसा लगा रही है ना, तो शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी। फिर क्या लिखा है? लीजिंग, क्या होता है? रेंट, लीज है ना, रेंट। देन हायर परचेस, क्या होता है? मशीनरी। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते थे हायर परचेस, मशीन्स खरीदते थे हायर परचेस में, तो ये सारी सर्विसेस वो देते थे। ठीक है, देन इंश्योरेंस बिजनेस, देन क्या लिखा है? क्या होता है ये? चिट बिजनेसेस, सहारा कंपनी। पढ़ा था मैंने, कहा था एक बार, आती हुआ आएंगे यही। ठीक है, चलो एनबीएफसी में के क्या क्या काम है, कामों के लिए समझ में आई? ये काम वो नहीं करते, क्या क्या नहीं करते बच्चा? एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्री, परचेज सेल्स ऑफ गुड्स। ये कह रही कि भाई एग्रीकल्चर का काम नहीं, इंडस्ट्री का काम नहीं है, और क्या लिखा है? गुड्स को खरीदने बेचने का काम नहीं है, लेकिन हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो गुड्स होता है। जनरल रूल, हम गुड्स को खरीदते बेचते नहीं है, एक्सेप्ट सिक्योरिटी को खरीदते बेचते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि ऊपर तो पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, प्रोवाइड एनी सर्विस, सेल, परचेस, कॉन्ट्रीब्यूशन, हम ये सारे काम नहीं करते। इमोबल प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते नहीं है, एक्सेप्ट सिक्योरिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी काम नहीं करते, याद रहेगा। ये एनबीएफसी की डेफिनेशन है, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है मीनिंग। मीनिंग जो तुम लोग समझे, क्या समझे? कि ये बैंक जैसे काम करती है बट ये बैंक नहीं होते, ये मीनिंग है। डेफिनेशन ये बोलता है, कंपनीज एक्ट की पूरी डेफिनेशन दे रखे, ये काम होते, ये काम नहीं होते, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये रेसिड्यूरी क्या है? रेसिड्यूरी वर्ड का मतलब बच्चा बुच्चा। रेसिड्यूरी एनबीएफसी कंपनी है विच इज मेन बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस इनका क्या होता है? स्कीम या फिर अरेंजमेंट। क्या लिखा है? एक बार में लमसम, ये क्या करते हैं बच्चा? एज पर स्कीम क्या करते हैं? डिपॉजिट रिसीव करती है। या फिर क्या लिखा है? इंस्टॉलमेंट में भी, बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर एनी अदर मैटर, इज ऑल्सो अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये एनबीएफसी है, लेकिन इसका कोर काम क्या है? अब एनबीएफसी ना बहुत सारी होती है, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में ही आपने देखा कि हम एनबीएफसी पढ़ेंगे,
हाउसिंग फाइनेंस क्या है? एनबीएफसी है बच्चा। इनके सबके अपने स्पेशलाइज्ड एरिया है। ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन ये फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस क्या करता है मुझे बताओ? गोल्ड लेकर, गोल्ड लोन देता है ना। मुथूट फाइनेंस ने अपना साफ साफ बोल दिया मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया क्या है? गोल्ड। श्रीराम ट्रांसपोर्ट करके एक फाइनेंस कंपनी है, वो क्या बोलता है कि भाई मैं ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स होती है उन्हें बस फाइनेंस दूंगा। सबने क्या अपना एक एरिया पकड़ा है? हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने अपना एक एरिया पकड़ा है, वो एरिया क्या है? हाउस को फाइनेंस करेंगे। के बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है? एक स्पेशलाइज एरिया है। हम फाइनेंस करते हैं, लेकिन किस चीज को हम फाइनेंस करते हैं, ऐसा स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। तो सेम बच्चा यहां पर इन्होंने कहा हमारा स्पेशलाइज एरिया क्या है? एक रेसिडरी एनबीएफसी होती है जो बस क्या काम करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है? स्कीम के तहत होता है या फिर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी अग्रीमेंट ही होता है। अरेंजमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट। स्कीम या अरेंजमेंट के तहत होता है या तो पूरे से या तो इंस्टॉलमेंट में। रेसिडरी एनबीएफसी विल ऑल्सो बी कंसिडर एनबीएफसी। ये एनबीएफसी होता है, एनबीएफसी फाइनेंस, लेकिन इसका मेन काम फाइनेंस नहीं, इसका मेन काम क्या है? डिपॉजिट लेने का, ठीक है? बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट भी लेना और फाइनेंस भी देना, दोनों होता है ना। आप लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, जिनको जिनके पास ज्यादा पैसा है दे दो, जिनके पास कम है ये पलटा दो। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन ये एनबीएफसी क्या कर रही है? डिपॉजिट ले रही है, बस लेने का काम मेन काम है इसका। अदर काम भी छोटे लेवल में करेगी, लेकिन मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? डिपॉजिट लेने का। तो ये बैंक का ही एक दूसरा काम कर रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसे हम रेसिडरी बोलेंगे। पूछ ये एक्चुअल में रेसिडरी, ये बची हुई है, मतलब एनबीएफसी सबने अपने स्पेशलाइज एरिया ले लिए, लेकिन कुछ एक एनबीएफसी है जो फाइनेंस नहीं दे रही है, लेकिन क्या कर रही है? बैंक वाला काम ले रही है। बैंक वाला काम ले रही है कौन सा है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला, प्रिंसिपल काम है इनका बस ये, ठीक है? तो ये एक बची बुची एनबीएफसी है जिन्हें कहीं किसी जगह पर जगह नहीं मिली, तो इन्हें हमने एनबीएफसी का एक पोजिशन दे दी, एक नाम दे दिया कि भैया तुम भी एनबीएफसी में कवर हो जाओगे, अदरवाइज ये डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन स्टिल इन्होंने बोले कि नहीं हम कवर कर देंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे तो भी, ठीक है? चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? इस प्रिंसिपल बिजनेस को समझना, क्या होता है ये प्रिंसिपल बिजनेस, समझो। इन्होंने कहा आपकी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस एक्टिविटी। विल बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बिजनेस इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कब हम मानेंगे कि आपका कौन सा प्रिंसिपल बिजनेस है? जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। चलिए, पहली कंडीशन क्या बोला? कंपनी के फाइनेंशियल एसेट, समझते हैं फाइनेंशियल एसेट, वो सारे एसेट जो कि फाइनेंस वाले हैं, ठीक है? फाइनेंशियल एसेट कितना? मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। आपकी बैलेंस शीट उठाओ, सारे एसेट्स निकालो, इसमें से हम किस एसेट की बात करें? फाइनेंशियल एसेट कितने हैं? मोर देन 50% आपके टोटल एसेट में से आपका फाइनेंस वाला एसेट 50% से ज्यादा। एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए, और होता दोनों में से कोई एक। आपकी इनकम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कितनी होनी चाहिए? 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। चलो, एक तरफ है आपकी टोटल इनकम और एक तरफ है आपकी टोटल एसेट। ये एक सर्कल है टोटल एसेट का, ये एक सर्कल है टोटल इनकम का। इन्होंने बोला भाई 50% जो एसेट होगा वो कौन सा होगा? मोर देन 50% आपका क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट। सेम इन्होंने कहा यहां पर आपकी पूरी इनकम में से मोर देन 50% इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए? उस फाइनेंशियल एसेट से ही रिलाइज होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों कंडीशन अगर साथ में फुलफिल होती है, दैट मींस कंपनी विच फुलफिल बोथ दीज क्राइटेरिया रजिस्टर्ड बाय द एनबीएफसी। क्या बोल दिया? अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, वो एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है, कहां पे बच्चा? आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है। इसे एक टेस्ट बोला जाता है। टेस्ट का नाम क्या होता है? 50-50 टेस्ट। दोनों में 50-50 है ना परसेंट, 50% से ज्यादा। एंड इज अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ कंपनी इज फाइनेंस बिजनेस। वापस, एनबीएफसी है क्या? जिसका काम बैंक जैसा है, लेकिन बैंक नहीं है।
क्या मैं इसे फाइनेंशियल कंपनी बोल सकती हूँ? एनबीएफसी क्या है? फाइनेंशियल कंपनी। ये फाइनेंशियल कंपनी तब कहलाई जाएगी जब इसकी बैलेंस शीट में टोटल एसेट में से फाइनेंस का एसेट 50% से ज्यादा है और इनकम भी जनरेट उसकी क्या हो रही है बच्चा, 50% से ज्यादा। तो आप हो एक फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी वाली, अदरवाइज आप नहीं हो। आपका प्रिंसिपल बिजनेस नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो ना आप दूसरे काम भी कर रहे हो, ये सारे काम आप साइड में कर रहे हो। आधे से ज्यादा काम आपका क्या है? फाइनेंस का है। बाकी की बची बची चीजों का आपको जो करना है करो, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका कोर काम 50% से ज्यादा का काम इसी चीज का होना चाहिए, तो आप एनबीएफसी, अदरवाइज आप एनबीएफसी नहीं हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या फाइनेंशियल एसेट क्या होते बच्चा? अरे लोन दे रहे हो आप, तो आपके डेटर क्या होंगे? डेटर, सारे डेटर की लिस्ट आ जाएगी ना। आपने इनको उधारी दी है, इनसे रिकवर करना है, एसेट में ये सब तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इन्होंने कहा चलो डिफरेंस समझते हैं। बैंक बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है। बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। चलिए क्या क्या फैसिलिटीज देता है खुद आप लोग मुझे बताओ, बैंक क्या क्या देता है? क्योंकि बैंक से आपका लेना देना है, डिपॉजिट करता है, लोन देता है, और लॉकर फैसिलिटी, और चेक वगैरह भी देता है, ठीक है। अकाउंट प्रॉपर रहता है, वहां पे आपका एक अकाउंट होता है, ठीक है, वेरी गुड। आपका बैंक आपके लिए बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकता है, अगर आप बैंक को बोल दो हर महीने वो कट करता रहेगा ऑटोमेटिक। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज है जो कि आपका बैंक आपके लिए करके देता है। एनबीएफसी इतने सारे काम नहीं करेगा। दोनों में सिमिलैरिटीज भी है। आओ, बोथ बैंक एंड एनबीएफसी इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ठीक है। उन्होंने कहा भाई उधारी लेना देना भी और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों की सिमिलैरिटीज है, दोनों का काम तो ये होता ही है। चलिए इंपॉर्टेंट है डिसिमिलैरिटीज। पहला, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट, व्हाट डू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? डिपॉजिट तो समझते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जिस दिन मांगेंगे उस दिन देना पड़ेगा। बैंक ये फैसिलिटी देता है, एनबीएफसी को ये फैसिलिटी नहीं है। बैंक नो डाउट ज्यादा ही काम करेगा, ये एनबीएफसी नहीं करेगा। एनबीएफसी कैन नॉट इशू, कोई चेक वेक इशू नहीं करता, ठीक। चलो, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? DICGC, देख लो फुल फॉर्म, अभी पूछूंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ दी एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। ये एक कॉर्पोरेशन है जो कि क्या फैसिलिटी देती है? सही बोल रहे, डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी। बच्चा आपका पैसा बैंक में है, सेफ है, चोरी हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल? बैंक ऐसे इंश्योरेंस करवा के रखती है, ठीक है, बैंक करवा के रखती है। एनबीएफसी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, क्योंकि आपका पैसा डिपॉजिट है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है। जो बैंक ये सारी फैसिलिटी आपको दे रही है ना कि घर पे मत रखो, हमारे पास रखो, तो कुछ उसकी गारंटी वारंटी होती है, तो ये कॉर्पोरेशन है जो ये गारंटी वारंटी देता है। ये बैंक करवाता है, एनबीएफसी नहीं। मतलब रिस्क है, अगर आपका पैसा किसी फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी के पास रखा है तो मतलब रिस्क है। वैसे तो रिस्क हर जगह ही है बच्चा, ठीक है, कहीं कुछ नहीं बचा, लेकिन रिस्क कंपैरिजन वाइज बैंक में कम है और एनबीएफसी में ज्यादा। समझ में आया? नीचे उन्होंने बोल दिया है डीजीसी इज वन होली ओन सब्सिडरी ऑफ दी आरबीआई। अब देखो आरबीआई जानते हो, अब जो ये आरबीआई की क्या है, सब्सिडरी है, जो कि ये काम प्रोवाइड करवा रही है सारी, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द कस्टमर हु डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक। हम सबका पैसा बैंक में है, ठीक है, ये जो बैंक में रखा पैसा है इसे थोड़ा सा सेव किया गया है थ्रू इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाती है बैंक के द्वारा। अब ये इंश्योरेंस फैसिलिटी भी कौन दे रही है? आरबीआई की एक होल, क्या लिखे बच्चा, होल्ली ओन सब्सिडी। मतलब क्या? 100% पैसा आरबीआई का इन्वेस्ट है, इंश्योर, तो उनकी ये जो सब्सिडी है ये हमें गारंटी वारंटी देती है कि मत टेंशन लो, इंश्योर है आपका पैसा इनकेस अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है। क्लियर है? चलिए
ये सारे के सारे क्या है? अब देखो नाम से काम समझना, क्या लिखा है? एसेट फाइनेंस कंपनी, मतलब इनकी बैलेंस शीट में तुमको डेटर की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दिख रही होगी। इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इनका काम क्या है? फाइनेंस देना, लेकिन किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। पढ़ाया गया तुम लोगों ने? ईबीसीएल में भी थोड़ा सा होगा, ठीक है? ये सब पूरा एक चैप्टर है। हाँ तो फिर तुम लोगों को तो ज्यादा ही नॉलेज होगा, बट टेंशन लो, न्यू वाले तुम लोगों को मिल जाएगा नॉलेज। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइप्स है, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फंड, ये सब नाम है। ये क्या होता है? फैक्टर। ये क्या नाम दे दिया अजीब अजीब से? वसूली भाई, वेरी गुड। मॉर्गेज गारंटी कंपनी, नॉन ऑपरेटिव, ये सारे टाइप्स है। तो चलो एक एक टाइप को पकड़े। पहला टाइप क्या लिखा है? मेन बिजनेस। देखो मेन बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस, ठीक है? मेन बिजनेस आपका यही होगा, इसके अलावा बाकी साइड में आपको जो करना है करो। मेन बिजनेस ऑफ कंपनी इज टू फाइनेंस द एसेट। क्या चीज फाइनेंस करते होंगे? मशीन को के लिए लोन देते होंगे, ऑटोमोबाइल्स, जनरेटर, इन्वर्टर भी आ जाएगा इसमें, ऐसा क्या सस्ता सा रहता है यार। चलो फिर क्या है? मटेरियल इक्विपमेंट्स, मतलब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी कवर होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन एक्सेट्रा। मतलब एसेट नाम क्या है? एसेट फाइनेंस कंपनी वो फाइनेंस कंपनी है जो कि एसेट्स की ही फाइनेंसिंग करती है, दैट्स इट। मेन काम उनका ये, साइड में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कर ले, अभी ऊपर पॉइंट्स पड़ा था, लेकिन मेन में क्या होगा बच्चा? एसेट। 50% से ज्यादा इनका काम यही होगा, तभी हम मानेंगे कि ये एसेट फाइनेंस कंपनी है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग बताओ। आईसी शॉर्टकट में बोला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग प्रिंसिपल बिजनेस इन्वेस्टमेंट ना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? मार्केट में, स्टॉक में, शेयर्स में पैसा लगाना। तो इनका प्रिंसिपल काम क्या होगा? शेयर्स खरीदना, ठीक है? देखो होता क्या है, मैं एक एनबीएफसी खोलना चाहती हूँ, आरबीआई के पास मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, तो मैं बताऊंगी ना मेरा मेमोरेंडम में कोर काम, तो कोर काम में मैं क्या लिखूंगी? इन्वेस्टमेंट। मैं एक एनबीएफसी की तरह रजिस्टर होना चाहती हूँ, मेरा कोर काम ये, मेरा कोर काम क्या है, जो भी है मुझे वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग लोन कंपनी, इसका कोर काम क्या होगा? लोन देने का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है बच्चा? मेकिंग लोन्स एडवांस, अदरवाइज इट डज नॉट इंक्लूड एसेट। क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स या फिर चीज को, एसेट को उसने केटर कर रखा है। ये क्या बोल रहा है भाई? मैं लोन किसी को भी लेकर दे सकता हूं, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये वाइडर है, ज्यादा वाइडर, वो स्पेसिफिक एसेट को लेकर है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या लिखा है? हार्मोनाइजेशन ऑफ थ्री कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या थी? एसेट फाइनेंस, दूसरी इन्वेस्टमेंट, तीसरी, चलिए अब इन्होंने कहा जो तीन कैटेगरी है जो हमने पढ़ा आरबीआई। देखो यहां पर ना बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बात हो रही, तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आरबीआई दे रही होगी। आरबीआई ने नोटिफिकेशन 2019 में दिया और तीनों कैटेगरी को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर। आजकल बच्चे एनबीएफसी बहुत देखते हैं, पहले इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, ठीक है? अजीबो गरीब जो भी तुम्हें नाम देखते हैं वो एनबीएफसी ही होते हैं, क्योंकि बैंकों के नाम तो फिर भी आपको पता ही है ना, फेमस है। कोई अजीब सा भी नाम देखते हैं तो वो ज्यादातर क्या होता है? जैसे बजाज फाइनेंस, नाम तो सुना ही होगा, एनबीएफसी है, लेकिन उसमें लिखा होता है फिनसर्व लिखा होता है। फिन मतलब फाइनेंस, सर्व मतलब सर्विसेस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ये पूरा नाम है, लेकिन जब भी उसका लोगो देखोगे तो उसमें क्या लिखा होता है? बजाज फिन सर्व। फिन मतलब क्या होता है? फाइनेंस, उसका तीन वर्ड बस ले लिया उन्होंने एब्रिवेशन, ठीक है? चलो एनबीएफसी ने हैज रिजल्ट इन सेवरल कैटेगरी ऑफ द एनसी फोकस ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर या फिर एसेट डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेटरी। इन्होंने साफ साफ बोल दीजिए तीन कैटेगरी है, एसेट लोन इन्वेस्टमेंट, इन टू अ न्यू कैटेगरी। उस न्यू कैटेगरी का नाम है ये इन्वेस्टमेंट
एंड क्रेडिट कंपनी, शॉर्टकट में एनबीएफसी आईसीसी, मतलब ये चौथा टाइप है आपका, चौथा टाइप है जो कि तीनों के काम कर रहा है, एसेट को भी फाइनेंस करता है, इन्वेस्टमेंट को भी और लोन को भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? देखो इन्होंने डायग्राम बना के भी दिखाने का ट्राई किया। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नाम से काम समझो, ये फाइनेंस कंपनी क्या करती होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों को बस क्या देगी? फाइनेंस देगी। ठीक है, एनबीएफसी, एनबीएफसी विल टर्म एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इज कंप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ा पैसा, बड़ा पैसा फंसेगा, आओ टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा। क्या लिखा है? अगर मैं एनबीएफसी हूं और मेरा काम क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही फाइनेंस करना, तो मेरा खुद का पैसा कितना लगा होना चाहिए? 300 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, मेरा ओन फंड। 75% ऑफ इस टोटल एसेट इन, जब मेरी बैलेंस शीट उठाई जाएगी तो उसके सारे के सारे जो भी मेरे एसेट दिखेंगे, लोन जो दिखेगा, मैंने जो लोन दे रखा है, एसेट दिखेगा ना कल को रिटर्न आने, तो इसमें 75%। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल बिजनेस मतलब 50% से ज्यादा, 50% ज्यादा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को क्या बोल दिया? तुम्हारा 50 नहीं है, तुम्हारा क्या है? 75%। ठीक है, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? ये क्रेडिट रेटिंग, हर कंपनी को एक रेट मिलता है, उस रेट से उसकी क्रेडिटेबिलिटी डिसाइड होती है। आपको कौन सा रेट मिला होना चाहिए? ए या फिर उसके इक्विवेलेंट, मतलब अच्छा रेट। ठीक है, ए बहुत सारे रेट्स होते हैं। ये क्या लिखा है? कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, क्या है ये? नाम से ही काम समझो, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो मतलब आपने कितना कैपिटल लगाया और उसमें कितना रिस्क है। इन्होंने कहा कि भाई बस कितना होना चाहिए रिस्क, कितना होना चाहिए? 15% का। अगर ज्यादा रिस्क है तो मतलब आपके एनबीएफ से ज्यादा खतरे में, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेट फाइनेंस करने देंगे नहीं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अब पहले मैं सारे टाइप्स और फिर मैं आपकी मॉड्यूल में आऊंगी। ठीक है, शॉर्ट में आप पढ़ेंगे, अब ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? सबका स्पेशलाइजेशन एरिया और सबकी टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अपन को मॉड्यूल में ही देखनी है क्योंकि मॉड्यूल ज्यादा अपडेटेड है। ठीक, चलिए फिर क्या लिखा है इसको भी देख लो भाई। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट, कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? ईवी सेल वाले बच्चे ने तो पढ़ा है ना। चलो आ जाओ, नाम थोड़ी देर से समझाती, पहले काम समझो। ये एनबीएफसी है, ये क्या है? एनबीएफसी कोर क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट। कोर क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट जो भी लिखा है, आओ पहले नीचे पढ़ो। शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया, एनबीएफसी विल सैटिस्फाई द फॉलोइंग। पहला, एसेट ऑफ एनबीएफसी कितना? देखो आप और बड़ी वाली कंपनी हो तो आपका एसेट कितना होना चाहिए? 100 करोड़ या उससे ज्यादा। एटलीस्ट 90% ऑफ इस एसेट, जो अभी इनका 100 करोड़ था, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर लोन इन दी ग्रुप कंपनी। आपका जो पैसा लगेगा किसमें लगेगा? शेयर्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट में, लोन में, वो भी किसमें? ग्रुप कंपनीज। ये ग्रुप कंपनीज कौन सी होती है? टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ये सब ग्रुप है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, अडानी ग्रुप, वेरी गुड। तो इन शॉर्ट ये जो फॉलोइंग कंडीशन है, ये अगर आप सेटिस्फाइड करती हो तो आप कौन सी कंपनी हो? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर। इनका कोर काम क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो 90% आपका क्या दिखना चाहिए एसेट में? आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे, या तो शेयर्स दिखना चाहिए बैलेंस शीट पे, एसेट में आपका शेयर्स, इक्विटी, डिबेंचर, इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए। फिर क्या लिखे? आउट ऑफ 90% होना चाहिए, उसमें से 60% शुड बी इक्विटी में देखना चाहिए। बच्चा देखो, अब ये रटने वाला पोर्शन है, सच में याद तो करना पड़ेगा। 60% और दोज इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कंपल्सरी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी या फिर कन्वर्ट होने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स। वेरी गुड। कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर हो गए, प्रेफरेंस हो गए। सच कंपनी डू एक्सेप्ट
नॉट नहीं यार, डू एक्सेप्ट. इट इज नॉट अ ट्रेड इन द इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर. नॉट ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट शेयर डेट लोन इन ग्रुप कंपनी एक्सेप्ट. अगर ब्लॉक सेल मतलब इकट्ठा फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन या फिर डिस इन्वेस्टमेंट. आप ट्रेडर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो. क्या ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस समझते? ट्रेडिंग कर रही हूं मैं अभी, 5 मिनट में खरीदा फिर से बेच रही हूँ, फिर खरीदा फिर बेच रही हूँ, दिन भर ट्रेडिंग कर रही हूँ. इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ दिया. इन्होंने कहा भाई सुनो, आप ट्रेड नहीं करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो. जनरल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक्सेप्शन कभी कभार आप ब्लॉक सेल कर सकते हो, एक बार में बेच सकते हो. अगर आप क्या कर रहे हो, डिस इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डाइल्यूट कर रहे हो. मतलब डिस इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा लगाया था वो आप निकाल रहे हो, बेच ही रहे हो. एक बार बेचना और बार बार बेचने में डिफरेंस है. जो बार बार बेचता है वो ट्रेडर ही होता है. जिसने एक बार खरीदा एक बार बेचा तो वो ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है. तो बस उन्होंने वही बस अलग तरीके से बताया. क्लियर है? पक्का? अब शॉर्ट में फटाफट पढ़ेंगे ताकि आप एक बार मॉड्यूल देख सके. हेडिंग बताओ क्या लिखा है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. ये लोग मार्केट से क्या करते हैं बच्चा? डेट फंड मतलब लोन. लोन प्रोवाइड करते किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. अब ऊपर भी तो यही पढ़ा था, लेकिन ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझना, उसमें और इसमें डिफरेंस है. कहां पढ़ा था? ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है. ये क्या करती है? सीधा रोड बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, चलो हम फाइनेंस कर देंगे. ब्रिज बन रहा है, हम फाइनेंस कर देंगे. और ये क्या कह रहे हैं? वेरी गुड. यहां पर डेट आ जाएगा, डेट फंड आ जाएंगे. डेट फंड मतलब क्या होता है? हम बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं, हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, आप लोग वो खरीदो. क्या ये बात समझ में आ रही है? इंस्ट्रूमेंट्स और डिटेल में मॉड्यूल में जाएंगे. अब शॉर्ट में जा रही हूं बच्चा. नेक्स्ट क्या लिखा है? छोटे 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 पैसे की बात हो रही है. अब छोटे छोटे पैसे के इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे. लोन गिवन टू दोज हुआ एनुअल इनकम कितना है. और क्या लिखा है? एंड दी रूरल एरिया के लिए 1 लाख है और अर्बन एरिया के लिए लोन शुड नॉट एक्सीड कितना? 50,000 से ज्यादा एक साइकिल में. बच्चा हेडिंग देखो क्या लिखा है. माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पैसे. माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी भी एनबीएफसी होती है. आपने देखा होगा बहुत सारे लेबर्स कभी कभार एक जगह बहुत ज्यादा झुंड लगा के खड़े रहते हैं, वो एनबीएफसी होती है, माइक्रो फाइनेंस दे रही होती है. महीने महीने पैसे कुछ लेना देना हो रहा होता है. यहाँ पे भी देखा होगा आपने, यही आपने देखा होगा कभी कोई एक है ना, एक कहते हैं FNL करके एक देखा होगा, येलो कलर का बोर्ड देखा है क्या? वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ लेबर होती हैं जो कुछ छोटा छोटा पैसे ले लेते हैं, उधारी चुका रहे होते हैं मंथली या जो भी रहता है, कुछ सिस्टम्स रहते हैं उनके. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बने होते हैं. देखो उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए हम ये करें, छोटा 1 लाख तक का पैसा शहरों में, अगर वो 1 लाख की जगह क्या बोल दिया 160 तक का. इन्होंने बोल दिया जो ये लोन होता है कितने से ज्यादा नहीं होता, 50 से ज्यादा नहीं. फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट टाइम दिया जाएगा तो 50 ही दिया जाएगा, भरोसा थोड़ी ना कि भैया चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे. ठीक है, दूसरी साइकिल में क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा. ठीक है, ये ऊपर 1 लाख और 1 लाख 60 मतलब ये उनको दिया जाता है जिनकी एनुअल इनकम इतनी तक की है, कम है, उनको 50 तक का दिया जाएगा. मतलब आधा जितना है साल का उतना लोन मिल रहा है आपको. नेक्स्ट, इंडेटनेस ऑफ दी, कभी भी इन्हें 1 लाख से ज्यादा का लोन नहीं मिलता. पहली साइकिल में 50 और दूसरी साइकिल में 1 लाख, कभी भी 1 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिलता. कितने महीने में, कितने साल में चुकाना है? लोन हैज गिवन विदाउट कोलेटरल मतलब कुछ गिरवी नहीं रखा जाएगा, ऐसे ही दिया जाएगा. लोन रिपेमेंट वीकली. अब जो मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो देखना, हफ्ते हफ्ते के देते हैं 500, क्योंकि क्या होती है लेबर होती है, लेबर को हफ्ते हफ्ते पैसा मिल रहा है, मिलता है ठेकेदारी में, तुमको मालूम होगा अगर है ना, तो वो हफ्ते हफ्ते चुकाते हैं. फिर क्या लिखा है? फॉर्नाइट मतलब एक बच्ची ने सही बोल दिया, बस वो कॉन्फिडेंटली बोले 2 हफ्ते. ठीक है चलो, फिर मंथली इंस्टॉलमेंट. ठीक है, 1 हफ्ता वीकली, 2 हफ्ते याद रहेगा, मंथली बस 15 दिन था, थोड़ा क्लोज थी. ठीक है, चॉइस ऑफ दी बोरोवर, जैसा हो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ऐसे चुकाए जाते हैं. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस होते हैं. एनबीएफसी फैक्टर, फैक्टर बोले तो वसूली भाई, वसूली भाई बोले तो वसूली भाई,
गोलमाल मूवी में वसूली भाई देखा तो था दीदी, है ना, नलायक। मेरे पैसे फंस गए, मैंने आस्था को लगा दिया, आस्था जा मेरे पैसे वसूल करके ला, दैट वाज फैक्टर, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी आओ, फिर क्या लिखा है, मॉर्गेज, मॉर्गेज गारंटी कंपनी नाम पे ही काम चुभा, बताओ। कुछ ना कुछ गिरवी रखकर उनके बिहाफ में गारंटी दे, जैसे बोलते ना बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, तो ये कौन गारंटी दे रहा है, एनबीएफसी गारंटी दे रहा है हमारे बिहाफ में। मुझे गारंटर की जरूरत थी, एनबीएफसी के पास मैं जाती हूँ, मेरा गारंटर बन जा, वो बोलेगा रुक जाओ पहले कुछ दे दो गिरवी, तो मैं गारंटर बनने को तैयार हूँ। डिटेलिंग में नहीं जा रही, उन्होंने बस डिटेल में क्या बता रखा है, खुद का पैसा इतना लगाना चाहिए, 90% टर्न ओवर, मॉर्गेज गारंटी का बिजनेस होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये लास्ट है, इसके बाद चलेंगे। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है थ्रू विच प्रमोटर या प्रमोटर को विल बी परमिटेड टू सेटअप अ न्यू बैंक। इट इज होल्ली ओन नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नाम सुनो नॉन ऑपरेटिव, ये ऑपरेशन नहीं कर रही है, बस क्या बनी घूम रही है, ये एक होल्डिंग कंपनी बनी घूम रही है, लेकिन ये इतनी एक्टिव नहीं है जितनी एक्टिव होनी चाहिए। मैंने अपनी एक होल्डिंग कंपनी बनाई, इसके नीचे सब्सिडी कंपनी बनाई, वो एनबीएफसी है, उस एनबीएफसी की मैं होल्डिंग कंपनी हो गई, फाइनेंसी कंपनी हूं, लेकिन मैं ऑपरेशन में नहीं हूं। इससे हम एक तरीके से नए नए बैंक्स बनाते हैं, जैसे कि आ जाओ एचडीएफसी होम लोन, लेकिन वो बहुत ऑपरेटिंग थी, मान के चलो वो ऑपरेशन में उतनी ज्यादा नहीं है, ये मान लेना पहले, ठीक है। एचडीएफसी होम लोन जो थी वो क्या थी, होल्डिंग कंपनी थी, क्या मालूम है आपको ये, एचडीएफसी बैंक ये इनकी सब्सिडी थी, तो इन्होंने अपना एक नया बैंक बनाया, यस और नो, बैंक बनाया, और आज के डेट में वो मर्ज हो चुकी है, अब ये एग्जिस्टेंस में, होल्डिंग कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि वो कंपैरिजन वाइज उतनी एक्टिव नहीं थी, उतनी ऑपरेटिव नहीं थी जितना एचडीएफसी बैंक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, अभी हुआ है ना ये तुरंत में ही, तो ये लिखा है ये एक न्यू बैंक बनाते हैं, होली ओन होता है, विच हैज बी होल्ड द बैंक एज वेल एज ऑल द अदर फाइनेंशियल सर्विस। अब इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक पूरे बैंक के काम करता था, और एनबीएफसी के काम कौन करता था, एचडीएफसी होम लोन। समझ में आ रहा है बच्चों कि मैं अकेले बोलती जा रही हूं, वापस, एक था रेड कलर की, एक था ब्लू कलर का, बोलो हाँ, ब्लू वाला बैंक था और रेड वाला क्या था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, ठीक है, यही होल्डिंग कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी कौन सी थी, रेड वाली होल्डिंग कंपनी, अब बैंक के साथ मिल गए, रेड अब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब होल्डिंग सब्सिडी के साथ आकर मिल गई, सब्सिडी होल्डिंग के साथ नहीं मिला है, मतलब छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को अपने साथ मिला लिया है, यही वाय ना, यस और नो। इन्होंने ये बोला है कि, रीड कर रही हूं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है थ्रू विच प्रमोटर प्रमोटर विल बी, दोनों के सेम ही प्रमोटर्स होंगे, उन्हीं का पैसा लगा है ना, विल परमिटेड, ये प्रमोटर चाहते क्या, एक न्यू बैंक सेटअप करना, तो एचडीएफसी बैंक एक न्यू बैंक सेटअप हुआ था, यस और नो, जो कि होल्डिंग ओन, इसके ऊपर होल्डिंग कंपनी कौन सी बैठी थी, होम लोन रेड वाली, ठीक है, विच होल्ड द बैंक एज वेल, इसमें बैंक और फाइनेंशियल सर्विस दोनों दे रहे, बैंकिंग के काम करने को तो कौन कर रहा है, ब्लू वाला, एनबीएफसी के काम करने तो कौन कर रहा होगा, रेड वाला, क्लियर है, जो भी रेगुलेटेड आरबीआई कर रही है, टू द एक्सटेंडेड परमिशेबल अंडर एप्लीकेबल, जो भी पार्टिसिपेंट में रूल्स रेगुलेशन लगते हैं वो ध्यान पे रखा है, तो इन शॉर्ट ये नॉन ऑपरेटिव, ये मान के चलो, क्योंकि अब उसका काम धंधा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना इनका था, इसलिए वो आकर आ जाती है, मिल जाती है, इसलिए नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, क्लियर है, लोग ऐसा भी करते हैं, क्लियर, ठीक है। मॉर्गेज गारंटी क्या बोलता है समझना, मुझे चाहिए लोन, मैं जाती हूं मुथूट फाइनेंस के पास और क्या रख देती हूं वहां पर, गोल्ड, और वो मेरे बिहाफ में गारंटर बन जाएंगे, मतलब लोन तो मैं ही चुकाऊंगी, कहीं भी कुछ करना है, लेकिन अगर नहीं चुका पाऊं तो मुथूट फाइनेंस आकर चुका देगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा गारंटर बन गया, लेकिन वो गारंटर तब बना जब मैंने उसको कुछ गिरवी रखा, तो मैंने गोल्ड रखा या प्रॉपर्टी या एसेट कुछ भी रख सकते हैं, क्लियर है, मॉड्यूल में आ जाओ। अच्छा देखो, अगर शॉर्ट नोट्स में जाओगे तो बेनिफिट्स है, चिल्लर बातें, बेनिफिट क्या दे रखा है, प्रोसीजर, किस चीज की प्रोसीजर होगी, एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन करने की, पहले क्या बनाना है, कंपनी बनानी पड़ेगी,
कंपनी बनाने के पास, एनबीएफसी है तो एक कंपनी ना, एनबीएफसी क्या है, कंपनी है। तो पहले आप क्या बनाओगे, कंपनी। कंपनी बना के कहां पहुंच जाओगे, आरबीआई के पास खड़े हो जाओगे कि हमारी कंपनी क्या काम करेगी। मेमोरेंडम में लिखा है आपने, आरबीआई से परमिशन ले लो कि हम एज पर कंपनीज एक्ट और जो भी है, मिनिमम नेटवर्क 2 करोड़, मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, एनबीएफसी बैकग्राउंड का होना चाहिए, सीनियर बैंक, ये सारी ना फॉर्मेलिटीज दे रखी है। ठीक है, ये सारी फॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे तो इसके बाद हमारे क्या हो जाएगी, एनबीएफसी तैयार, डॉक्यूमेंट्स अटैच। ठीक है, अब जैसे एनबीएफसी पढ़ा ऐसे क्या पढ़ेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, देन पूरे जो टाइप्स थे ना ऊपर, पूरे ऐसे ही डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो हाउसिंग फाइनेंस को भी बोला, उसकी प्रोसेस भी पढ़ेंगे, क्लियर है। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर उसकी भी रजिस्ट्रेशन है, उसकी भी प्रोसेस, प्रोसेस दिख रहा है। देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वही जो अभी पढ़ा, 50 पहली बार में, दूसरे में 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा नहीं, दिखा, फिर उसकी भी प्रोसेस। देन निधि कंपनी और उसकी भी प्रोसेस। इसके बाद और क्या था, पेमेंट बैंक्स जैसे पेटीएम, वेटीएम, गूगल, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब यहाँ पे टॉपिक होता ओवर। मैंने बस आपको अभी शॉर्ट में समझाया चल क्या रहा है, अब आ जाओ मॉड्यूल में, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों। आप नोटिस करो एसबीएफसी, जब एसबीएफसी कहाँ आ गई, एसबीसी सेटिंग अप बोलो या फिर न्यू सिलेबस में जो भी है, सेटिंग अप सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग यही है इसकी। ठीक है, समझो, जब भी मैं ये आपको पढ़ाती हूँ तो शॉर्टकट में से पढ़ाती हूँ, फिर कहती हूँ मॉड्यूल रीड करो। बच्चा मॉड्यूल तो रीड करनी ही करनी है, लेकिन जब आप मॉड्यूल रीड करते हो तो उसमें बहुत सारी बातें होती है, उसी के लिए शॉर्ट नोट्स दिए हैं। अब एग्जाम में क्या करोगे मुझे बताओ, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे कि मॉड्यूल, मॉड्यूल में मॉड्यूल पकड़ना है और उसमें शॉर्ट नोट्स को या तो पेपर स्टिक कर दो या तो अपना स्टिकी नोट्स छोटे छोटे बनाकर स्टिक करने का है। मतलब मैं दोनों का एक जाती हूं, क्या सिंगल शॉर्ट नोट से काम चल रहा है क्या, कभी भी नहीं चलेगा, ये बात याद रखना, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है, अनइम्पॉर्टेंट भी, तो मॉड्यूल तो छोड़नी तो है ही नहीं, लेकिन मॉड्यूल में कुछ घटिया प्रोसेस तो रहती है ना, बहुत ज्यादा। तो प्रोसेस किससे पढ़नी चाहिए, उससे, तो या फिर वो नोट्स को ऐसे स्टिक कर लो उसकी प्रोसेस वाला पोर्शन, ठीक है, एज इट इज चिपका लो, या तो अपने आप से पढ़कर समझकर बना लो और फिर स्टिक कर दो, ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्लियर है। तो ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि आप लोग के धुंधले हो चुके हैं सेटिंग अप के, है ना, तो मुझे शुरू से सारे चैप्टर पकड़ के तुम्हारे टेस्ट करवाने, ठीक है, और मुझे टेस्ट सीरीज भी बनवानी है, तो पहले ये मैं बता दूं इतना पढ़ने का कंटेंट, फिर मैं आ रही टेस्ट सीरीज में, ठीक है। चलो मॉड्यूल देखो, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, न्यू और ओल्ड सिलेबस दिख गया। ओ मेरे नलायक बच्चों, क्या लिखा है, एनबीएफसी से डील करोगे तो ये सारे एक्ट भी लगेंगे, कंपनीज एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 406, निधि कंपनी भी लगेगा, ये बोल रहे निधि के रूल्स, आरबीआई लगेंगे और नेशनल हाउसिंग, ये कौन से बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, तो उनके अलग से एक्ट है, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्या है, सरफासी, अगर कोई बैंक लोन देता है और कोई उनका पैसा लूट के चला जाता है, जैसे विजय माल्या, है ना, ऐसे लोग अगर कुछ करते हैं तो ये सब, हाँ, इतनी सारी दिक्कतें हुई तब जाके कानून बना। कानून क्या बना, सरफासी एक्ट, ठीक है। इसमें पूरी प्रोसेस दे रखी है कि बैंक अपने पैसे को कैसे रिकवर करेगा, प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहां बस नाम देखकर छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए फिर चिटफंड का भी एक्ट आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो यहां पूरा इंट्रोडक्शन खुद से रीड कर लेना, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जनरल जनरल बातें हैं, क्लियर है, रीडिंग पोर्शन। फिर क्या लिखा है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, आ जाइए, क्या लिखा है ऊपर, क्या सबसे पहले आरबीआई, ठीक है, उसके नीचे क्या है, एनबीएफसी। अब ये एनबीएफसी के टाइप है, एनबीएफसी के क्या है, ये सब टाइप। तो सबसे पहले आरबीआई है, आरबीआई को ही एनबीएफसी रिपोर्ट करता है और एनबीएफसी के टाइप। फिर आपको बाजू में क्या दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, निधि कंपनी है, कंपनीज एक्ट लगेगा तो एमसी आ जाएगा। देन चिट फंड है, उसके खुद के ऊपर हमने एक्ट भी देखा है, चिट फंड एक्ट भी है, वो भी कवर होता है, ठीक है, उनका खुद का रजिस्ट्रार होता है। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस किसमें बच्चा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आईआरडीए फुल फॉर्म, वेरी गुड, इंश्योरेंस कंपनी की अथॉरिटी। देन क्या लिखा है उन्होंने, सभी में मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, वेंचर कैपिटल, फंड कंपनी, ये सब अथॉरिटीज है जिनसे उनकी डील होगी, तो ये नाम दे रखे हैं।
ऊपर रीडिंग कर लोगे बच्चों बताओ। ये उन्होंने टाइप के नाम दे रखे जो भी हमने मैंने एक बार शॉर्ट में डिटेल में बता दिए। ये एनबीएफसी दिख रहा है, पढ़ लोगे क्या? सेम है, अभी पढ़ा सेम है। सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, आगे पीछे होता है यार थोड़ा सा। रेगुलेटरी सुपरविजन, हेडिंग समझो क्या है, ओए हेडिंग समझो क्या लिखा है। रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी फ्रेमवर्क, कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, कौन कौन से रेगुलेटर है? सेबी, आरबीआई, ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। वन रीड, ये सब तो कुछ नहीं बकवास दे रखे। हाँ लेकिन न्यू सिलेबस तुम्हें बकवास है, लेकिन एक बार रीड करना क्या लिखा है। स्केल बेस्ड रेगुलेटरी, स्केल बेस्ड मतलब बेस लेयर, मिडिल लेयर, एक बार वन रीड करना, सीधा आ जाओ, ये है इंपॉर्टेंट। यहां से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो खुद से रीड करना, ध्यान दो, न्यू ओल्ड दोनों। टाइप्स ऑफ कैटेगरी दे रखा है, अभी ये सारे टाइप्स देखे थोड़े बहुत अपन ने पढ़े ना, ये सब, ये सारे टाइप्स पढ़े, पूरे टाइप्स पढ़ के आओगे कितने पॉइंट तक? 11 पॉइंट तक। बेनिफिट्स पढ़ लोगे, बदमाशो चिल्लर है, बेनिफिट्स नाम से ही समझ में आ रहे हैं सब। डिफरेंस भी पढ़ोगे, अगर नहीं डिफरेंस तक पढ़कर आओगे बोलो हाँ, डिफरेंस में भेज दूंगे, भेजोगे ऑनलाइन खुद देख सकते हो, चलो भेज दूंगे। यहां तक मुझे तुम्हारी बुक में मार्क दिखना चाहिए, रुको यार, ठीक है बच्चा, इतने तक पढ़ के आएंगे डिफरेंस बिटवीन तक बता रही, पढ़कर आओगे। अब जो याद करने वाला पोर्शन है वो टाइप से चालू होता है, यहां से, ये यहां से इंपॉर्टेंट टाइप से, ठीक है, क्लियर है बच्चा? यहां तक रीड करके आएंगे। डिफरेंस बिटवीन न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में क्या पेज नंबर? बेनिफिट्स के एंड तक है ना, 194 में आप बेनिफिट्स तक पढ़ के आएंगे, क्लियर है बच्चा? यहां पे ये सभा होती है समाप्त।